एज क्या लगती है? एज मोर देन 25। तो सबसे पहले हम गए थे सिटी मॉल के अंदर वीडियो बनाने के लिए। वहाँ जाने के बाद हमें पता लगा, आधे घंटे तो हम इधर उधर ढोलते रहे। उसके बाद हमें बताया वहाँ सिक्योरिटी गार्ड ने कि तुम यहाँ पर वीडियो बिल्कुल भी नहीं बना सकते। फिर क्या करा जाए, अब हमें यहाँ से तो निकला जाए। वीडियो को थोड़ा मैं हैंड ओवर कर लेता हूँ, चलें। चलो तो भूख आ गया यार, उसको लेने चलते हैं। चलें पहुंच गए, चले देखो। एक बार और लेते प्लीज, पूरी रात ही लगाएगा ट्रांजेक्शन। बस एक और लेनी है। बाय गाइस, जो नए स्टूडेंट्स है उसे आना चाहिए और उसके लिए क्या क्या फैसिलिटीज यहाँ पे मिलेगी तो ढूंढते हैं। कॉम्पिटिशन के क्वेश्चन थोड़ी ना भैया, बस जस्ट नॉर्मल क्वेश्चन है। मेरा नाम कुलदीप सिंह फागना है। मेरा नाम हेम सिंह गुर्जर है। मेरा नाम हरेंद्र माधव है। आप सारे मतलब एक ही जगह से हो या फिर अलग अलग जगह से आए हुए? एक ही जगह से, भरतपुर से रहते हैं। कितने साल हो गए आपको आए हुए, मतलब यहाँ पर स्टडीज करते हुए? पिछले साल एनसीयूज में एलएन में ही थे, हम रिपीट कर पाए। इस बार थोड़े कम रह गए मार्क्स, इसलिए नीट का दोबारा से प्रिपरेशन कर रहे हैं। लॉकडाउन लगा था जब, परेशानी आई थी यहाँ से वहाँ पर शिफ्ट होने में, वापस अपने घर जाने में? थोड़ी बहुत परेशानी तो आई थी क्योंकि काफी टाइम हुआ था लॉकडाउन का, 6-7 महीने का, तो उसमें नीट का प्रिपरेशन में भी काफी फर्क पड़ा। यदि नीट एग्जाम पहले लग जाता तो हमारा शायद सिलेक्शन भी हो जाता। ऑनलाइन क्लासेस से कुछ आपको मतलब फर्क पड़ रहा था या फिर ऐसे मतलब वो चल रही थी, कुछ समझ में आता है नीट? बस ऐसे नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। एलन काफी अच्छी तरीके से ऑनलाइन क्लासेस चला रहा था, वो तो लगभग सभी को पता है, सभी स्टूडेंट ऑफलाइन पसंद करते हैं। अभी मतलब क्लास की स्ट्रेंथ कितनी? सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, मास्क वगैरह के साथ, पहले तो 150-200 रहती थी क्लास की स्ट्रेंथ, 60-70 के समथिंग। ऑफलाइन क्लासेस होती वहाँ पे लड़कियों से थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है? नहीं होता, वो तो है, पर अभी क्या है इन्होंने ये सिस्टम क्या है कि लड़कियों का सिस्टम सुबह के लिए कर दिया गया है, लड़कों को शाम के लिए रखा है, तो कभी नहीं किया। अभी तो बस पढ़ाई पे फोकस है, बस सबकी अपनी अपनी सोच है, पर अब अपन की तो यही सोच है कि जब तक मतलब ना कुछ जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते हैं तो कुछ भी नहीं होना चाहिए, अभी बस अपनी पढ़ाई पे फोकस होना चाहिए बस। मेरे को तो 15-20 दिन ही हो पाए हैं यहाँ पे। बेसिकली ये फिल्मिंग अ वीडियो फॉर आवर यूट्यूब चैनल नेम्ड भूपेंद्र ब्लॉग्स। मतलब मैं आज से बस 2-3 सिंपल क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ। आप बता रहे हो कि जैसे आपको एक मंथ हुआ, अभी तक क्या एक्सपीरियंस रहा है कोटा में, और पहले मतलब आप कहाँ पर हो? हम लोग भी बिहार से, साथ में ही है दोनों। आपका नाम क्या है? आर्ष प्रिया। खुशी। श्वेता भारती। कोटा मतलब बेसिकली जाना ही जाता है कि स्टूडेंट्स के लिए है, और यहाँ पे पढ़ाई का तो कहीं और ऐसा मिलता नहीं है, तो अच्छा लग रहा है। पढ़ाई का तो लेवल बहुत हाई है यहाँ पे। आप कंफर्टेबल हो गए यहाँ पे एक महीने के अंदर, या अभी भी थोड़ी बहुत हिचकिचाहट? नहीं, कोटा तो ऑलरेडी हब ऑफ एजुकेशन माना जाता है पूरे इंडिया का, और यहाँ पे सारे टीचर्स जो एलएन के, वो बहुत ही ऑसम टीचर्स हैं, अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, समझाते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने देते हैं। जो भी अपना कोई भी प्रॉब्लम हो जाके उनसे कह दो, वो सारा सॉर्ट आउट कर देते हैं। बनाए हम लोग जब हम 8, 9 या 7 में थे तब से ही सोचे थे, तभी आने का प्लान था, बट लॉकडाउन के कारण। पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? वही चाहते थे हम जाएं, वही चाहते थे कि उनको पढ़ना था, तो नहीं मतलब बहुत सारे पेरेंट्स का ट्रस्ट इश्यूज होते ना कि अपनी लड़की को इतनी दूर भेज रहे हैं। एक हेल्थ का इशू था, लेकिन यहाँ पे माहौल अच्छा है। यहाँ हम लोग जिस हॉस्टल में रहते वो भी हॉस्टल बहुत अच्छी है। गर्ल्स हॉस्टल ज्यादा अच्छा रहता है फिर पीजी ज्यादा रहता है? हॉस्टल ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि और सबके लिए, बॉयज के लिए तो हम नहीं कह सकते, लेकिन गर्ल्स के लिए हॉस्टल ठीक है, क्योंकि ना वहाँ पे जो वार्डन रहती है वो तबियत ख्याल सब ज्यादा रख सकती है, हॉस्पिटल कभी भी जरूरत हो तो आ सकता है। कोई फ्रेंड नहीं है, जो हम लोग किसी से मतलब कोई ताल्लुकात ही नहीं अभी तक। कभी अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ ना कि लड़के ने कभी आगे हो? नहीं, तो उसके लिए एक्शन लिया जाता है। मतलब कुछ भी अगर लड़का अगर आपको बोल देता है या फिर मतलब स्टेयर भी करता है, डिपार्टमेंट होता है वहाँ जाके बोल के आप, वो तुरंत एक्शन लेंगे, और वो बहुत ज्यादा कड़ा है, बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं। बाद में अगर आपको कोई डाउट आता है? नहीं, सर से पूछ सकते हैं, कॉल भी पूछ सकते हैं, फोन पे भी पूछ सकते हैं। फोन नंबर मतलब हर टीचर का आपके पास रहता है? लोगों ने क्या ब्रॉडकास्ट बनाया हुआ सब सर, तो उसमें क्या होना, जिससे सिर्फ हम ही लोग का नंबर दिखेगा, कोई टाइम निकालवा देते हैं। लेकिन ना किसी किसी बैच में ऐसा होता है कि वो टाइम नहीं दे पाते, तो उसको ना सर उसके लिए बस नंबर प्रोवाइड रहता है कि आप चाहो तो पूछ सकते हो, क्योंकि उसको टाइम नहीं रहता है। और जैसे नर्सर में उसको तो बहुत टाइम है, तो उसके लिए अलग सेशन रहता है डाउट पूछने के लिए। इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू। थैंक यू। फिर 1 बजे से 2 बजे तक हम लोग का डिनर का टाइम होता है ना, मतलब लंच का टाइम होता है। फिर 2:30 बजे से पढ़ने, तो 5 बजे तक
5 से 6 ब्रेकफास्ट और फिर 6:30 से 8 हाँ 8 बजे तक पढ़ते हैं, फिर 9:30 बज जाता है, 9:30 के बाद पढ़ाई स्टार्ट। इसकी शक्ल देख के या मेरी शक्ल देख के आपको गैस करना हो कि हम कितने घंटे पढ़ाई करते हैं, फिर स्टडीज करते भी है या नहीं करते, तो मतलब आप दोनों को क्या रिप्लाई रहेगा? एज क्या लगती है? एज मोर देन 25। हाँ 19 का और मैं जस्ट 18 का। थैंक यू। गाइस मेरी बात सुनो, हमें ना 2 घंटे हो गए लगभग घूमते घूमते, बिल्कुल, और हमने 10 जनों से बात करी। 10 जन 1 घंटा तो सिर्फ हमने उसमें लगा था कि ब्लॉग हम आगे बनाए या ना बनाए, क्योंकि ऐसा ब्लॉग कभी बनाया नहीं है और लग भी नहीं रहा कि ऐसा भी ब्लॉग होगा या क्या होगा, पर हमने ट्राई तो करा। होप कि पसंद आएगा। आएगा क्या? पसंद आया क्यों नहीं आया, मैं हूं ना इस वीडियो में तो। अभी तक हमने 2 ग्रुप से क्वेश्चंस पूछे और मुझे लग रहा है कि उतने ही बहुत है, उसमें ही आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी। अगर आप एलन आने की सोच रहे हैं, कोटा आने की सोच रहे हैं, तो बहुत ही है वैसे, उतना ही आपके लिए काफ़ी। और अगर आप ज़्यादा यूट्यूब पर वीडियो देखे हो तो उससे कोई मतलब नहीं है, इतने में ही जितनी इन्फॉर्मेशन आपको मिली है वो बहुत है। और अब आगे हम KST आने वाले हैं, अगर आप पढ़कर बोर हो चुके हैं तो वहाँ पर जाना बहुत बहुत बेहतर है। चले आइए, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक अगले वीडियो में नहीं, इसी वीडियो में मिलते हैं। मिलते हैं चलते हैं। गाड़ी कौन चलाएगा? चलते आ रहा हूँ मैं। यहाँ पे पार्क कर देते, अभी गाड़ी चल रही है सरेंडर पार्क में। वीडियो को थोड़ी बड़ी बनाएंगे तभी तो मज़ा आएगा। हमारी नॉर्मल वीडियो की तरह तो ये वाली बिल्कुल नहीं बनने वाली थी, नॉर्मल वीडियो की तरह इसे बनाना चाहिए। हाँ क्या रात में 7 वंडर को स्लो बने। हाँ ये लकड़ी है, ये क्या है, इसमें सीम आ गई, खटमल वोटमल इनके अंदर। हाँ। नीचे पाँव रखते हैं नीचे। हाँ, फिर तैरना भी नहीं आता मेरे। ओके, कहा जाता है कि अगर आप इसको उस पार चले गए तो इस पार भी आ सकते हो। प्लीज 100 सब्सक्राइबर कर दो, कितनी 6-7 वीडियो होगी अभी तक 100 सब्सक्राइबर नहीं है। 100 सब्सक्राइबर्स बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ऑल दिस गाइस दिन रात तो नहीं, रात ही मेहनत करनी पड़ रही है। अच्छा दिन में निकले तो रात होगी, और क्या चाहिए तेरे को? पीछे लाइट, बीच में लिफ्ट लगानी चाहिए थी भाई, मेरे से लेता आइडिया में देता कुछ 10-10 रुपये ऊपर जाके कचौड़ी समोसा खाते। लाइट क्यों बंद करी? लेकिन ब्यूटीफुल। अब मैं रुक जाऊँ, मैं बहुत ज़्यादा सीरियस होने वाला हूँ। 100 सब्सक्राइबर के लिए भी कितने कम है? ऐसे बैठा करें हम तो भैया, 3 सब्सक्राइबर कम है, प्लीज। अच्छी बनी है या नहीं बनी है, पर मैंने इसमें मेहनत तो बहुत ज़्यादा करी है, तुम्हें वीडियो देखने के बाद पता तो चल ही गया होगा। बहुत ज़्यादा लेट हो रहा हूँ घर के लिए, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो, मेक श्योर यू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट 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 लव बेबी।